होट जो है वो आता है पंजाब में, कराची जो है वो सिंध में आता है फर्स्ट। गुड बाय गया। लड़कियों को देखनी नहीं ना यहाँ पे, वो सारा मेकअप का कमाल है। कोई मतलब ओरिजिनल ब्यूटी तो है नहीं यहाँ पे, मेकअप उतरता तो फिर ट्रेल निकलती है नीचे से। इंसान को अकल किस तरह आती है, घर से मार पड़ने के बाद या बादाम खाने के बाद? आपकी सेज की हो तो लड़के आपको आंटी कह लें। खुदा ना खास्ता कोई ऐसा पेशेंट आपके पास आए तो आप तो टीका उसको लगा रही हो कि चीखे खुद मार रही हो। सच्ची में इसलिए मैंने सोचा मैं डॉक्टर नहीं बनूंगी। दिमाग शमाग काम कर रहा है या नहीं अभी? इधर तो ध्यान लगा हुआ है। दिमाग शब ठीक है, नॉर्मली ये काम कर रहा है, ध्यान देने वाली चीज़ नहीं है इधर। आपको ध्यान देने के लिए क्या चाहिए? पूरा मॉल है यहाँ पे, प्ले एरिया है, खाने छाने का बंदोबस्त है, प्यारी प्यारी लड़कियाँ हैं, खवातीन हैं, मर्ज़ रात है, क्या टेंशन क्या है? मैम लड़कियों को देखनी नहीं ना यहाँ पे, वो सारा मेकअप का कमाल है। कोई मतलब ओरिजिनल ब्यूटी तो है नहीं यहाँ पे जो हो, तो कोई मतलब कि लड़कियाँ इसलिए देखनी नहीं। फिर जा जाती है शॉपिंग वगैरह, खाना वगैरह, खाना मैं फूडी हूँ बहुत सारा, खाना वगैरह हमने अच्छा खा लिया है अब तो। और जो सेकंड बार आंटियाँ, वो बेसिकली सारी ही आंटियाँ वो सब मेकअप के बेस से ज़रा। यानी कि आप लड़कियों के मेकअप के सख्त खिलाफ हैं? नहीं खिलाफ नहीं हूँ, मतलब ये ना कहते आपने देखा होगा पार्लर में जाती हैं कुछ और हैं, आपकी कुछ और हैं, मतलब कि वो पूरा चेंज है। इतना नहीं होना चाहिए, थोड़े नेचुरल जो ब्यूटी वो होती है जो नेचुरल हो, विदाउट मेकअप हो। अब मेकअप करके तो मतलब कि आपको पता है सब बन जाते, जब मेकअप उतरता तो फिर ट्रेल निकलती है नीचे से। अच्छा जी, अच्छा ये बताओ दिमाग शमाग काम कर रहा है इस टाइम? हाँ कर रहा है। कुछ पूछना चाहती हैं आप? ये बताओ वो कौन सी चीज़ है जो पानी पिए तो मर जाती है? पानी पिए तो मर जाती है। क्वेश्चन चेंज करें आप, क्वेश्चन चेंज करो। अच्छा मैं क्वेश्चन चेंज कर लो, आप मुझे क्या दोगे क्वेश्चन चेंज करने पर? अगर आपने ठीक बताया तो मैं तो आपको गिफ्ट दूंगी, आप मुझे क्या देंगे? मैं क्वेश्चन आपके लिए चेंज कर लेती हूँ। आप क्या, आप कुछ खिला देंगे? खिला देंगे, मैं फूडी नहीं हूँ। अच्छा ये बताओ कराची और लाहौर में क्या फ़र्क है, कोई दो अच्छे से फ़र्क बताने हैं। ठीक है मैम, लाहौर जो है वो आता है पंजाब में, कराची जो है वो सिंध में आता है फर्स्ट। गुड बाय गया। जो कहते हैं लाहौर है वहाँ पे पंजाबीज रहते हैं, जो कहते हैं कराची है वहाँ पे सिंधी लोग ज़्यादा रहते हैं। तो लाहौर के लोगों की लैंग्वेज और कराची के लैंग्वेज में क्या फ़र्क है लोगों की? मुझे ऐसा पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे ऐसा लगता है कि लाहौर के लोग जो है ना वो ज़्यादा डिसेंट बोलते हैं, मतलब ये जो अच्छे एरियाज के लोग हैं ना। कराची में मोस्टली लोग जो है ना वो थोड़ी सी मुझे लगता है कि बैकवर्ड से टाइप बोलते हैं। लैंग्वेज में क्या फ़र्क है? जैसे यहाँ पे लाहौरियों का रेड़े का मसला है, कराची का क्या मतलब कि लैंग्वेज में फ़र्क है? मैम कराची में इतना ज़्यादा गया नहीं तो मुझे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं कराची का, लाहौर का मैं आपको बता सकता हूँ कि कैसा। मैं तो कराची और लाहौर का पूछा था। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। जवाब तो आपने फिलहाल कोई नहीं दिया, लेकिन एलई टीवी की तरफ से आपको छोटा सा गिफ्ट। इंसान के अंदर कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर होता है, आपके अंदर क्या टैलेंट है? मुझे ड्राइंग बहुत अच्छी आती है, मुझे शौक है उस चीज़ का। अच्छा बना लेती हूँ। मुझे स्केच वगैरह करने का ज़्यादा शौक है तो इसलिए मैं वो करती हूँ। कर लेती है। अच्छा जी, अच्छा ये बताएं कोई टिप दें जिन लोगों को स्केच नहीं बनाना आता और वो जिन चुड़ैले बना देते हैं, तो कोई अच्छा सा टिप दे कि अच्छे से स्केच बनाने के लिए क्या टिप होगी? अगर वो मेरे हिसाब से अगर वो थोड़ा सा करके करेंगे, स्टेप स्टेप करेंगे तो फिर उनको ज़्यादा अच्छा आ जाएगा, क्योंकि मैंने इस तरह मुझे आता है तो इसलिए। अच्छा ये बताएं कि इंसान को अक्ल किस तरह आती है, घर से मार पड़ने के बाद या बादाम खाने के बाद? मेरे ख्याल से घर से मार पड़ने के बाद। वालदा की या वालिद की? जिनसे वो ज़्यादा डरते हैं उनसे। अच्छा ये बताएं कि फैमिली में सच्ची सच्ची बताना है, पुप्पो ज़्यादा आग लगाने का किरदार अदा करती हैं या चची? मेरी कोई पुप्पो तो नहीं है, ठीक है तो मेरे ख्याल से चाची। चाची यानी क्या? और अच्छा अक्सर चाचियाँ मशहूर होती हैं जादू टोनों के नाम से, कि जादू टोना करती हैं, ऐसा कभी सुना फैमिली में? नहीं। ये बताएं ए और बी के दरमियान क्या आता है? ए और बी के दरमियान कुछ भी नहीं आता, ए के बाद बी आता, सी आता, उसके बाद दरमियान में तो कुछ आता है ना। ए और बी के दरमियान, ए और बी के दरमियान थोड़ा सा गैप आता है और उसके अलावा तो कुछ भी नहीं आता। थोड़ा दिमाग तो लगाए ना, ए बी के दरमियान क्या आता? ए बी के दरमियान आई नो। अच्छा ये बताएं लाहौर और कराची में क्या फ़र्क देखती हैं? मैं फर्स्ट टाइम लाहौर आई हूँ और कराची में कभी गई नहीं। ये भी नहीं है। अच्छा ये बताओ आपकी सेज की हो तो लड़के आपको आंटी कह लें तो गुस्सा आएगा उनको देखकर? यानी किस एज में आपको आंटी बुला लें? अभी तो आप छोटी सी हो, जब किस एज में होता है आपको सारे आंटी बुला सकते हैं? 35 के बाद। 35 के बाद। और लड़कों को किस एज में अंकल कह दो? लड़के तो हर एज में अंकल लगते हैं वैसे तो, 25 के बाद उनको अंकल कह दो। नाइंसाफी नहीं है खुद को 35 के बाद और लड़कों को जो है 25 के बाद कह दो?
लड़के मुझे लगता है और जल्दी हो जाते हैं गर्ल्स। ये बताओ पाकिस्तान में ज़्यादा ज़हीन लड़कियाँ या लड़के हैं? लड़कियाँ। कैसे? क्योंकि लड़के से इधर पढ़ते नहीं है जहाँ तक मुझे पता है। लड़के कम भी पढ़ते अच्छे नंबर से पास हो जाते हैं, लड़कियाँ सारा सारा दिन लगा के भी पढ़े तो बड़ी मुश्किल से उनके मुकाबला। ज़्यादा तो टॉप लड़कियाँ ही करती हैं। अच्छा ये बताएं, जिस तरह आपने बताया कि आप स्केच तो हैं, आपने खुद सीखा है, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन जो होती हैं जिसके हम बताते हैं कि आप स्केच के ऊपर बनाते हैं उसके ऊपर जो है पेन का यूज़ करके आप स्केच कर ले, आपने भी ट्राई की? नो, मेरे फादर जो हैं वो करते थे लेकिन उनके तरफ मैंने देखते के थोड़ा थोड़ा सीखा है और मैंने ये ऐप्स वगैरह पे तो कुछ नहीं देखा। अच्छा ये बताएं बड़े होके क्या बनना? बड़ी होके मैंने क्या बनना, मुझे डॉक्टर बनने का शौक़ है और आर्टिस्ट बनने का शौक़ है। डॉक्टर या आर्टिस्ट? आर्टिस्ट। ये बताओ पाकिस्तान में डॉक्टर का फ्यूचर कैसा है आपकी नज़र? मेरे नज़र में डॉक्टर का फ्यूचर बहुत अच्छा है लेकिन उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है डॉक्टर्स के ऊपर, तो इसलिए मैं डॉक्टर ही। कि अमूमन जो होती है ब्लड देख ले सिरिंज देख ले उनको चक्कर आ जाते हैं, आपका ऐसा कोई सीन नहीं है? नहीं, मैं हर चीज़ से बहुत डरती हूँ। मैं कल को कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसा पेशेंट आपके पास आए तो आप तो टीका उसको लगा रही हो कि चीखे खुद मारी? सच्ची में इसलिए मैंने सोचा मैं डॉक्टर नहीं बनूंगी क्योंकि मैं बहुत डरती हूँ सब चीज़ों से। अच्छा ये बताओ अपनी ऐसे दोस्त जो आपकी बहुत अच्छी फ्रेंड है उसकी कोई बुराई जो है ना कैमरे में देख के कहो कि ये सुधर जाओ ये काम ख़त्म करो, नाम लेकर? नाम लेकर वैसे तो मेरी दो दोस्त हैं और दोनों ही बहुत अच्छी हैं लेकिन एक दोस्त है उसका मैं नाम ना लूँ तो नाम ले लें। उन्होंने कौन सा आपको आके मारने डरती है दोस्तों से? अभी हाँ मतलब बोलती है तो मैं उसको कहूँगी थोड़ा सा कम बोला करे बस। बहुत बोलती है? हाँ मतलब जब मेरे साथ बैठी हो कब वो बहुत बोलती है तो मैं उसको कहूँगी थोड़ा सा कम बोला करे बस। अच्छा आपको याद हो ये जो आपने हेयर स्टाइल बनाया हुआ है आपने किसका कॉपी किया हुआ है? क्योंकि हम छोटे होते थे हमारी जो मदर होती थी वो बनाती थी तो कहते थे सारे कहते थे पौधों को पानी तो डालो। ये हेयर स्टाइल मैंने ड्रामे में देखा था तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। मामा नहीं कहती ये क्या पौधे में पानी तो डाला? नहीं मेरी मामा बहुत मतलब मैं जो भी बनाऊँगी मामा कहती अच्छा बनाया मतलब शला प्यारी लग रही। थैंक यू। अच्छा ये एक छोटा सा गिफ्ट है हेली टीवी की तरफ से आपको। थैंक यू सो मच।